नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन वालों का कैसा रहेगा मई का महीना। ऑन दी होल अगर कहा जाए तो ये महीना आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव भरा रहेगा। आपके जो फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर रहे थे वो एज इट इज़ आपकी हेल्प करते रहेंगे और आपकी समृद्धि में भी वृद्धि होगी। आपका नेम और फेम इस महीने बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और लोग आपके कार्य की प्रशंसा भी करेंगे। इन द मिडल ऑफ द मंथ हो सकता है कि कोई आपकी दूरी यात्रा हो जाए, मतलब आपकी कोई लंबा ट्रैवल हो जाए, तो वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ऐसा कुछ उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिखाई देती। फाइनेंशियल मैटर्स की बात भी अगर करूँ तो फाइनेंशियल मैटर्स भी आपके इस महीने अच्छे रहेंगे। मन आपका काफ़ी पॉजिटिव है, इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने की उम्मीद है। लेकिन अगर किसी से लोन ले रहे हैं तो लोन लेते समय थोड़ी सी आपको जिसे बोलते हैं कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। और इस महीने के मिडल में हो सकता है कि कोई नई संपत्ति या नया फ्लैट वगैरह लेने की आप कोशिश करें। नौकरी जो करते हैं उनके लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अप्रेजल हो सकते हैं, थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब आप पूरी होनेस्टी के साथ वर्क करेंगे। अन्यथा अगर आप होनेस्टी के साथ वर्क नहीं करते हैं तो वाद विवाद तर्क वितर्क आपके हो सकते हैं, उससे आपको बचना है। जो प्रेम संबंधों में अगर कोई मिसकम्युनिकेशन था तो वो मिसकम्युनिकेशन भी इस महीने आपका कम हो जाएगा। और आप इस महीने सूर्य जी का उपासना कर सकते हैं। 6, 7, 15, 24 और 16 आपके लिए थोड़ी सी कठिनाई भरी है, तो इन तारीखों में थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं भी आपकी कुंडली और आपकी पामिस्ट्री करूं, तो आप मुझसे भटनागर अभी 2411@gmail.com पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ 9411848508 मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप मेरी वेबसाइट्स भी देख सकते हैं और मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई दोस्त जिसकी राशि मकर है, उसके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।